स्वागत है आपका इस सेशन में। देखिए, हम इसमें चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड राज्य में जो डीएलएड प्रवेश परीक्षा आयोजित की जानी है वर्ष 2022 में, जिसके फॉर्म उत्तराखंड बोर्ड यानी उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर बोर्ड द्वारा निकाले गए हैं, तो आखिर ये इसका महत्व क्या है उत्तराखंड में, और इसके साथ साथ इसके लिए और सारी चीज़ें, हम योग्यता, आयु सीमा, कितनी सीटें हैं, किस प्रकार से विभाजन, और परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, और इस पाठ्यक्रम के हिसाब से तैयारी कैसे की जाए, ये हम अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को उम्मीद है लास्ट तक देखेंगे, जिन्हें इस विषय पर यानी डीएलएड प्रवेश परीक्षा में रुचि है या जो इसको क्रैक करना चाहते हैं। तो सबसे पहले साथियों, हम एक चीज़ बताना चाहेंगे आपको कि उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। आप जानते हैं डीएलएड का मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और ये बेसिकली कक्षा एक से आठवीं तक जो ये जिनके पास ये डिप्लोमा रहता है वो उसके लिए एलिजिबल होते हैं वहाँ के पढ़ाने के। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिप्लोमा है, और उत्तराखंड में इसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, आप जानते हैं कि अन्य स्टेट्स में, यूपी में जो बीटीसी डीएलएड है वो वहाँ पे भी होता है, और दिल्ली में भी होता है, हरियाणा में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, विभिन्न स्टेट्स में होता है, लेकिन उत्तराखंड राज्य में हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये क्यों एक कोर्स से इसका ज़्यादा महत्व है। अब देखिए साथियों, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि इसकी योग्यता क्या है। उत्तराखंड की बात हो रही है, जो उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद ने जो फॉर्म निकाले हैं, तो इसके लिए सबसे पहले जो योग्यता है, योग्यता में हम शैक्षिक योग्यता की बात करेंगे, तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए यानी स्नातक। आप किसी भी स्ट्रीम से अगर स्नातक हैं और स्नातक पास, इसमें कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, एक चीज़ का ध्यान रखें, यदि आप 33% से ज़्यादा यानी आपने पास किया है कोई भी ग्रेजुएशन, आपने चाहे बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, बीटेक है, या जो भी एक ग्रेजुएशन की डिग्री के रूप में, ध्यान रहे डिग्री के रूप में काउंट की जाती है, स्नातक की डिग्री के रूप में काउंट किया, बीसीए आपने किया है या बीटेक किया है, इस प्रकार की जो डिग्रियां हैं तो वो इसकी एलिजिबिलिटी है, या कम से कम आपको ये पास किया हुआ होना चाहिए तभी इस फॉर्म के लिए आप आवेदन करें। ध्यान रहे, अपीयरिंग का इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि कोई अपेयरिंग में और फॉर्म भर देगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ समझे। आयु सीमा की हम बात करते हैं, तो देखिए इसमें सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए आयु सीमा है 30 वर्ष। अगर किसी की उम्र 30 वर्ष से कम है, किसी की उम्र 30 वर्ष से कम है तो वो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर किसी की उम्र क्या है 30 वर्ष से कम है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये 30 वर्ष है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए। बाकी जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं, एससी और एसटी के लिए अगर आप देखेंगे तो उनके लिए 35 वर्ष की उम्र क्रॉस नहीं होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए, यानी 35 वर्ष तक आप भर सकते हैं इसे, यदि आपका है तो आप भर सकते हैं, क्योंकि 5 वर्ष की छूट एससी और एसटी कैंडिडेट्स को दी जाती है। इसके अलावा ओबीसी जो कैंडिडेट हैं उनको 3 वर्ष की छूट दी जाती है, तो यदि उनका 33 वर्ष तक की उम्र है, पार नहीं होनी चाहिए, तक की उम्र है फॉर्म भरने के लिए, तो वो भर सकते हैं। अब ये आपको देखना है कि फॉर्म में क्या दिया हुआ है, कितने तारीख को आपकी आयु 30 वर्ष मांगी गई है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उस तारीख को आप काउंट करें। अगर आपकी उम्र 30 से कम है सामान्य या ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी के लिए तो वो फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार एससी एसटी की अगर 35 से कम है तो वो भर सकते हैं, और ओबीसी की अगर 33 से कम यानी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो वो भर सकते हैं। इसके अलावा जो विकलांग हैं, पीएच हैंडीकैप अभ्यर्थी हैं, तो उसे 10 वर्ष की छूट होती है, यानी सामान्य वर्ग का अगर विकलांग है तो उसे 40 वर्ष की उम्र क्रॉस नहीं होनी चाहिए, यानी 40 वर्ष तक वो फॉर्म भर सकता है। इसी प्रकार जो अन्य वर्गों के अभ्यर्थी हैं, एससी विकलांग है तो उसको 45 वर्ष यानी 15 साल की छूट मिलेगी, और ओबीसी विकलांग अगर है कोई तो उसे 3 वर्ष यानी 43 वर्ष तक वो फॉर्म भर सकते, यानी विकलांग अभ्यर्थी को 10 साल का रिलैक्सेशन है, बाकी वो जिस कैटेगरी से है उतना रिलैक्सेशन उसमें जुड़ता जाएगा। इसके अलावा
एक्स आर्मी कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं जो टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है, ये भी ध्यान रखेंगे, वो उनकी सर्विस के हिसाब से है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इसमें सीटें क्या है। तो ध्यान रखें साथियों विद्यार्थियों, इसमें कुल होती हैं 650 सीटें, यह चीज़ का ध्यान रखेंगे। और एक बात ध्यान रखें कि ये अभी तक उत्तराखंड में जो डीएलएड है, जिसे पहले बीटीसी कहा जाता था, अब इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था एनसीटी के द्वारा, तो ये डीएलएड है। इसका महत्व तो क्या है हम आगे बताएंगे। तो 650 सीटें हैं और ये 650 सीटें अभी तक कुल मिलाकर ये आपके दो बैच पास आउट हो चुके हैं। अभी तीसरा बैच का प्रशिक्षण जनवरी 2022 से स्टार्ट हुआ है। अब 650 सीटों में से 325 सीटें साइंस के लिए हैं, यानी जिन्होंने ग्रेजुएशन जिनका साइंस से है, और 325 सीटें अदर देन साइंस, यानी जिनका आर्ट्स है, बैचलर आर्ट है, और जिनका अदर देन साइंस यानी जिनका ग्रेजुएशन साइंस के इतर है, उनके लिए है। तो कुल मिला के 650 सीटें, इन सीटों का भी विभाजन रहता है। देखिए कैसे विभाजन रहता है, क्योंकि आप जानते हैं 13 जनपदों में 13 प्रशिक्षण संस्थान हैं, डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और ये डाइट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड रन करती है। इनमें हर एक जनपद में 50 सीटें हैं, 50 सीटें हर एक जनपद में है, तो 50 भी 25 25 हो जाता है, 25 साइंस की और 25 अदर देन साइंस की, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझना है कि 13 जनपदों में 50 सीटें, तो इस प्रकार 13×65 कुल 650 सीटें हो जाती हैं। हर एक जनपद का अपना डाइट है, वहां पर यह प्रशिक्षण संचालित होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि अब आपको डाइट में एडमिशन लेने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और वो है प्रवेश परीक्षा। अब परीक्षा से आपको गुजरना पड़ेगा, तो उस परीक्षा में आपको ध्यान रखेंगे एक परीक्षा आयोजित की जाती है, और उस परीक्षा में कुल 200 अंकों की वो परीक्षा आयोजित की जाती है, 200 अंकों की परीक्षा आयोजित की जाती है, और उस 200 अंकों की परीक्षा को चार सेक्शन में विभाजित किया गया है, चार सेक्शंस में विभाजित किया गया है। ठीक है, और इस प्रकार ये परीक्षा होती है कुल 2.5 घंटे की, 2 घंटे 30 मिनट, समय काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा में, 2.5 घंटे की होती है, यानी 2.5 आवर्स की होती है। और इसमें ये 200 जो मार्क्स हैं, 200 क्वेश्चन, एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये सामान्य ज्ञान जो पूछा जाता है 50 नंबर का, जीएस जनरल स्टडी भी कह सकते हैं इसे, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग का पोर्शन 50 नंबर का, जो गणितीय योग्यता है आपकी, मैथमेटिकल एबिलिटी है, या मैथ्स जो जनरल मैथ्स होती है कॉम्पिटिशन की, वो 50 नंबर की पूछी जाती है। और आखिरी में जो शिक्षण अभियोग्यता परीक्षण होता है, यानी एक तरीके से टीचिंग एप्टीट्यूड, आप टीचर बनने के लिए एक प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं, तो आप में कुछ उस प्रकार की स्किल है, आप में उस प्रकार की काबिलियत है, या आपका सोचने का तरीका वैसा है, तो उस प्रकार का ये परीक्षा, ये अभियोग्यता के 50 प्रश्न आते हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे कि कैसे करें तैयारी। इस कैसे करें तैयारी से आपके, उससे पहले हम कुछ बताना चाहेंगे, कैसे करें तैयारी से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड में इसका महत्व क्यों बढ़ जा रहा है। तो देखिए साथियों, उत्तराखंड में इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उत्तराखंड में वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक की जो भर्ती होगी या होती है, उसमें डीएलएड को वरीयता है। किसको? डीएलएड को वरीयता है, यानी अगर डीएलएड का अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो ही बीएड के अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किया जाता है, यानी डीएलएड वाला पहले लिया जाएगा और उसके बाद बीएड के अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा। ये नियमावली में स्पष्ट रूप से लिखा है। क्यों? इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि बीएड ऑलरेडी जो सेकेंडरी है, यानी एलटी ग्रेड के लिए और लेक्चरर ग्रेड के लिए, यानी टीजीटी और पीजीटी के लिए, ये लोग, इनके पास विकल्प हैं। लेकिन जो डीएलएड है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, गवर्नमेंट सेक्टर में सिर्फ प्राइमरी का विकल्प इनके पास होता है, ये चीज़ ध्यान रखें। ना तो ये एलटी का भर सकते हैं और ना ये प्रवक्ता या टीजीटी पीजीटी का कुछ नहीं भर सकते, इसलिए जाहिर तौर पर इन्हें दिया जाना तर्कसंगत भी है, क्योंकि इनका प्रशिक्षण सिर्फ एलिमेंट्री लेवल के लिए होता है। एलिमेंट्री लेवल, ठीक है, एलिमेंट्री लेवल के लिए होता है, यानी कक्षा 1 से 8 तक ये योग्यता रखते हैं,
यानी इनका रिक्रूटमेंट कक्षा 1 से 8 तक किया जा सकता है, पर उत्तराखंड में सिर्फ प्राइमरी की भर्ती में इनको लिया जाता है क्योंकि 6 to 8 में प्रमोशन के जरिए पद भरे जाते हैं, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। अब उत्तराखंड प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली उसके तहत डीएलएड को वरीयता है और डीएलएड अभ्यर्थियों के न मिलने पर बीएड अभ्यर्थियों पर विचार किया जाता है, वर्तमान की जो स्थिति है। भविष्य में भी उम्मीद है कि यही बनी रहेगी, क्योंकि जब तक सरकार, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो डीएलएड है वो डीएलएड स्टेट गवर्नमेंट करवाती है, ये चीज़ का ध्यान रखें। स्टेट गवर्नमेंट का पूरा मशीनरी देहरादून निदेशालय से लेके एससीईआरटी, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और उसके बाद डायट्स, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और उसके साथ साथ तमाम जो कार्य होते हैं, जो शिक्षा विभाग के कार्य होते हैं, उनको भी जो ये डीएलएड कर रहे अभ्यर्थी होते हैं वो बखूबी अंजाम देते हैं। तो अल्टीमेटली विभागीय प्रशिक्षण है, ये क्या है, विभागीय प्रशिक्षण, इसलिए इसका महत्व उत्तराखंड में बन जाता है, विभागीय प्रशिक्षण। एक चीज और बताना चाहेंगे आपको, इसका महत्व इसलिए भी ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि अभी तक इसके 2 बैच निकले हैं, एक 14-16 और एक 17-19, ये 2 बैच अभी तक निकले हैं, ठीक। 14-16 बैच के सभी अभ्यर्थियों का नियोजन हो चुका था 2017 में, लेकिन 17-19 बैच का जो नियोजन है वो अभी पूर्ण रूपेण नहीं हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ष 2020 में एक भर्ती आई थी और उस भर्ती को पूरा होने में समय लगा, फिर उसके बाद आचार संहिता लग गई, तो अभी ये इसके पूरे अभ्यर्थियों का नियुक्ति नहीं हुई, कुछ बचे हैं। सबसे पहली बात कि कैसे करें तैयारी। अब देखिए, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि पिछले जो बैच 2022 में जिसका प्रशिक्षण हुआ है उसमें काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन जो हमने करवाई थी उसके थ्रू चयन हुए हैं या हमारे मार्गदर्शन में चयनित हुए हैं। अब इस तैयारी को अंजाम देने के लिए जो हम बता ही रहे हैं ये है कि 50 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान है, 50 मार्क्स का सामान्य ज्ञान है, 50 मार्क्स का तक शक्ति है, रीजनिंग है, लॉजिकल एबिलिटी है, 50 मार्क्स का मैथ्स है, और 4 सेक्शन जो चौथा सेक्शन है शिक्षण अभियोग्यता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड बेसिक आपका है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है वो ये ध्यान रखे, सभी सेक्शन का अपना रोल है, और इसकी जो मेरिट जाती है वो ये ध्यान रखे कि 150 प्लस आप मेरिट मान के चलिए जनरल की, और आउट ऑफ 200 150 प्लस मेरिट जाती है, 155 प्लस मान के आप चलिए, 55-56 प्लस आप इसकी मेरिट जाती है। कैसे तैयारी करनी है, सामान्य ज्ञान के लिए जो तैयारी का तरीका है वो आप ल्यूसेंट पब्लिकेशन की एक बुक है उस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जीएस मैटर आता है, लगभग सभी सेक्शन को छूता हुआ आता है, हो सकता है करंट अफेयर भी आए, तो ठीक ठाक होता है सामान्य ज्ञान, उसका स्तर ठीक होता है। तर्क शक्ति, रीजनिंग के लिए आप अरिहंत का एक पुस्तक है, जो अरिहंत की तर्क शक्ति वाली पुस्तक है हिंदी माध्यम से, उसको लेकर इसकी तैयारी कर सकते हैं। तीसरा जो सेक्शन है वो गणित का है, तो गणित के लिए आप कोई भी आर एस अग्रवाल की जो वस्तुनिष्ठ अंकगणित है उसको लेकर तैयारी कर सकते हैं। और आखिरी जो शिक्षण अभियोग्यता है, तो शिक्षण अभियोग्यता के लिए हम एक स्पेशली एक वीडियो डिजाइन कर देंगे, पिछले बार भी हमने काफ़ी तैयारी करने की कोशिश किया था, तो इसके लिए एक वीडियो अवेलेबल करवा देंगे कि आखिर शिक्षण अभियोग्यता की तैयारी कैसे करें जिससे आपके 50 में से 48 तक आपके मार्क्स आ जाएं। बहुत बेसिक है, क्योंकि जो विद्यार्थी इस प्रशिक्षण के लिए जा रहा है उसके लिए प्रशिक्षण नया है, तो उसके लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में, चीज़ों को समझने में थोड़ा समय लगेगा, और वो समझा दिया आपको जाएगा, तो शिक्षण अभियोग्यता पर हम एक स्पेशल सा वीडियो डिज़ाइन कर देंगे, और कुछ हमारे पुराने वीडियोज़ भी पड़े हैं उन पर भी आप देख सकते हैं, ठीक।